प्रदेश में बन रही फिल्म सिटी पर भोजपुरी फिल्म अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने कहा कि जब काम बढ़ता है तो उस वस्तु या उस चीज की भी मांग उस जगह पर होने लगती है। उन्होंने कहा कि फिल्म सिटी पहले मुंबई में थी, लेकिन प्रदेश सरकार अब यूपी के नोएडा में फिल्म सिटी बनाने जा रही है, जिससे कि प्रदेश के युवाओं को प्रदेश में ही काम करने का अवसर प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पूर्वांचल और बिहार में भी फिल्म सिटी का निर्माण हो, जिससे कि फिल्म बनाने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि नोएडा में फिल्म सिटी बनने पर कुछ लोग गलत नज़रिए से देख रहे हैं और गलत धारणा पैदा कर रहे हैं, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि फिल्म सिटी बन जाने से प्रदेश में लाखों युवाओं को रोज़गार मिलेगा और प्रदेश में रोज़गार के अवसर पैदा होंगे और सब प्रदेश के युवाओं की प्रतिभा सामने आएगी। उन्होंने कहा कि फिल्म सिटी प्रदेश में बन जाने से प्रदेश के युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा, युवाओं को अपने घर में ही काम मिलेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने कहा, जी बहुत अच्छी बात है। जब भी देखिए काम बढ़ता है तो उसके लिए हर राज्य में चीज़ें बढ़ती है। तो जैसे पहले सिर्फ मुंबई में फिल्म सिटी थी, अब नोएडा में बनने जा रही है। हम तो चाहेंगे कि इसके बाद पूर्वांचल में भी बने और बिहार में भी बने, हर जगह फिल्म सिटी होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि सहूलियत होती है, ऐसा नहीं है कि उसको भी लोग नेगेटिव ले रहे हैं, ऐसा मिलता है। हाँ, लोग गलत बातें कर रहे हैं कि वहाँ से यहाँ क्यों लाया जा रहा है, लाया नहीं जा रहा है, एक और नया खुल रहा है, ये रोज़गार का अवसर पैदा करेगा, हजारों लाखों लोग जो है वो रोज़गार पाएंगे और हमारे जो युवा टैलेंट है उनको मौका मिलेगा, अपने घर के आसपास मौका मिलेगा। तो इसको बहुत ही पॉजिटिव वे में देखना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। क्या कहना चाहेंगे युवाओं को? यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है खुश नसीब हैं कि आपके घर में आपको सारा कुछ मिल रहा है। हम लोगों को तो स्ट्रगल करना पड़ा था, हमें जाना पड़ा था मुंबई, भैया को जाना पड़ा था मुंबई, पर अब युवाओं के लिए और आसान हो गया है कि वो अपने घर में ही अपने गांव में ही सारी सहूलियत पा रहे हैं। तो उनको मेहनत करनी चाहिए और आगे भविष्य बहुत उज्जवल दिख रहा है।